हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं गुच्छे की करी, या फिर बोल सकते हैं मॉरल मशरूम्स, जो कि है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मशरूम्स अवेलेबल इन द मार्केट। हमने अपने मशरूम्स अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धो लिए हैं। अब हम गुनगुने पानी में इनको ढक कर 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। मीनवाइल हमने एक बड़ा प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक ले लिया है, जिनको हमने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया। आप चाहे तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। कढ़ाई को गरम करके हमने उसमें डाला है जीरा और मेथी, और इसमें ऐड कर लेंगे प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट या फिर चॉप्ड मसाला। मीनवाइल आप अपने टमाटर, जो कि मैंने 4 लिए हैं, अच्छे से उनको चॉप कर लीजिए या फिर प्यूरी बना लीजिए। हमारा मसाला थोड़ा सा भुन चुका है, इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, आप चाहे तो इसमें रेड चिली और थोड़ा सा किचन का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये दोनों ही स्किप कर दिया है। मसाला अच्छे से भुन गया है तो हमने उसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मसाले को ढक कर थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। अब हमारे मशरूम्स बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, हम इसका पानी अलग कर देंगे। याद रखिए, इस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो बड़े साइज के मशरूम्स हैं, हम उन्हें थोड़ा सा कट कर लिया है। हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें मशरूम्स ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इनको थोड़ी देर ढक कर पकने के लिए रख देंगे। टू थ्री मिनट्स बाद, जब आपको लगे कि मशरूम्स का और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, हम उसमें जो हमारा सूप था मशरूम का, वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसे इतना ही बना सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा और सूप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा और सूप ऐड करके इसे ज़्यादा सूपी बनाया है। इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे पकने के लिए सिम आंच पे 5 to 6 मिनट छोड़ दीजिए। इसका जो अरोमा है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग है। आप इसे सर्व कर सकते हैं चपाती, नान, परांठा या फिर राइस के साथ, और ये हर चीज़ के साथ ही इक्वली टेस्टी लगता है।